आगामी त्योहारों के मद्देनजर नागरिक सुरक्षा कोर की बैठक एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सिविल डिफेंस के पदाधिकारियों के परिचय के साथ आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने पर चर्चा की गई। बैठक में एडीएम सिटी ने सभी वार्डन को त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए निर्देश किया और कहा कि सभी त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाए। इस मौके पर एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, सिविल डिफेंस के उप नियंत्रक सत्य प्रकाश सिंह सहित अन्य वार्डन मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नागरिक सुरक्षा कोर के उप नियंत्रक सत्य प्रकाश सिंह और एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा, अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गई थी, महोदय ने टाइम दिया था और आज वहाँ पे गंभीरनाथ में सभी 10 ब्लॉकों के प्रधानों का चूँकि प्रशिक्षण बीच में ही आयोजित हो गया, इससे महोदय को जाना पड़ा। हमारे नवागत अपर जिलाधिकारी श्री विनीत कुमार सिंह साहब ने आज की बैठक की अध्यक्षता की और उन्होंने नागरिक सुरक्षा के संबंध में खासकर गोरखपुर की भूरी भूरी प्रशंसा किया, चूँकि वो नागरिक सुरक्षा के दो नगरों को देख चुके हैं। कानपुर में भी सर थे वहाँ पे और अलीगढ़ में जो भी नागरिक सुरक्षा की स्थापना हो रही है उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है और वो जानते हैं अच्छी तरीके से। एक एक वार्डन का परिचय प्राप्त किया गया कि हमारे नगर के वार्डन क्या काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, किन क्षेत्रों में काम करते हैं। महोदय को एक लघु फिल्म भी दिखाई गई और सबका परिचय भी दिया गया कि किस किस पदों पर कौन कौन कहां कहां किस तरीके से काम कर रहे हैं। नागरिक सुरक्षा गोरखपुर के द्वारा जो भी मानदंड स्थापित हैं अभी पिछले 2-3 सालों में उनके बारे में पूरा विस्तार से बताया गया और महोदय ने काफ़ी प्रशंसा किया। ये नागरिक सुरक्षा गोरखपुर प्रदेश की उत्कृष्ट टीम है, सर्वश्रेष्ठ टीम है, सहज है, सरल है और सजग है हर तरीके से, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो आप जल भराव की बात देख रहे हो, हमारे वार्डन प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं। आप इनके जज्बे को आपने खुद ही कोरोना पीरियड में देखा है, इन्होंने किस तरीके से समाज की सेवा की है। मैं एक बार पूरी अपने नागरिक सुरक्षा की टीम को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं सत्य प्रकाश सिंह, उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा। सभी आगामी त्योहारों के संबंध में आदरणीय अपर जिलाधिकारी महोदय ने मार्गदर्शन दिया, निर्देश दिया कि पूर्व की भांति आप हमेशा उसी तरीके से अपने समाज के साथ खड़े रहेंगे, प्रशासन के साथ खड़े रहेंगे और उसको बहुत शांतिपूर्वक तरीके से कोविड प्रोटोकॉलों का पालन करते हुए संपन्न कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज ये सिविल डिफेंस के पदाधिकारियों और उप नियंत्रक के साथ एक मीटिंग की गई है जो कि बेसिकली एक तो परिचयात्मक बैठक भी थी और दूसरा आगामी जो आने वाले त्यौहार हैं जैसे दशहरा है, रामलीला है, दुर्गा पूजा है और 12 औफात का त्यौहार है, फिर आगे दीपावली और छठ पूजा का भी त्यौहार आना है, तो उसको लेकर शहर में शांति व्यवस्था कायम रहे, कानून व्यवस्था कायम रहे, उसमें जो नागरिक सुरक्षा के पदाधिकारी हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके जो लोग हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है और वो कैसे इस त्यौहार में अपना सहयोग प्रदान करेंगे, उसको लेकर एक बैठक की गई है और हम सभी जनपदवासियों को आगे आने वाले त्यौहारों की शुभकामनाएँ देते हैं और उम्मीद करते हैं कि त्यौहार शांतिपूर्वक और सकुशलता संपन्न होगा।